हेलो फ्रेंड, आज मैं गुजराती खट्टी मीठी दाल बनाने जा रही हूँ। मैंने एक वाटी, आप जो भी वाटी लेंगे हो, एक वाटी भर के मैंने तूर की दाल ले ली है और उसे मैंने कुकर में 7 सीटी पे बॉईल किया है ताकि एकदम एक रस हो जाए। और देखिए, एकदम एक रस हो गई है। और उसे मैंने बीटर, हैंड बीटर से उसे पूरी एक घोल ली है। देखिए, इतनी बड़ी कटोरी भर के दाल ली थी, धो के उसे बॉईल की। इसमें 1.5 चम्मच जितना नमक डालेंगे और आधी छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे। इसे चला देंगे। 2 चम्मच नमक के बाद मैंने इसमें आधी मिर्ची ऐसे 4 टुकड़े करके डाल दी। इसमें एक लंप थोड़ा सा गुड़ डाला मैंने, 2 चम्मच जितना। ये 4 कोकम धो के डाले और एक इतना बड़ा टमाटर, देखिए कितना बड़ा, उसे मैंने काट लिया और वो डाल दिया। अभी इसे उबलने देंगे हम अच्छे से। हमारी दाल में अच्छा उबाल आ रहा है। हम इसे बीच में चलाते रहेंगे, लेकिन इसे और 10 मिनट उबलने देना है। आप चाहे तो इसमें करी पत्ता, मीठा नीम का पत्ता डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। हमारी दाल अच्छे से उबल गई है, तुअर की खट्टी मीठी दाल। इसमें पहले हमें इसे उबालना रहता है, बाद में हम इसे छोलियों लगाएंगे। इसे थोड़ा और उबलने देना है, एक रस होनी है। हमारी दाल अच्छे से उबल गई है। इसी टाइम पे हम इसमें थोड़ी कोथमीर डालेंगे, धोकर साफ करके रखी है काट के, और एक उबाल आने देंगे। कोथमीर डालने के बाद भी एक उबाल आने देंगे हम। यदि कोथमीर जल्दी डालते हैं तो ये पूरी इसका कलर चेंज हो जाएगा। हम इस टाइम पे डालेंगे ताकि हमारे कोथमीर हरी रहे। मैंने जो हमेशा बघार करते वो एक पैन लिया, उसमें 2 चम्मच तेल रखा, छोटी 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून जितना तेल रखा। इसमें मैंने बिल्कुल 2-4 मेथी के दाने डाले हैं। हमारा फोड़नियों में हो गया। अभी हमने 2 लौंग, 2 मिरी और दालचीनी के 2-3 टुकड़े लिए, वो डाल दिए। उसके बाद आधा चम्मच राई डाली, इसे फूटने दिया। थोड़ा सा जीरा डाला और लाल कश्मीरी मिर्च डाली। ये सब हमने बघार दाल में डाल दिया। देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी बन गई। फोड़नियों के बाद एक उबाल देना है। मैंने फोड़नियों में थोड़ी हींग भी डाली। अरे, एक उबाल आने के बाद हम इसे कैसरोल में निकाल लेंगे। हमने हमारी दाल कैसरोल में निकाल ली है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स, आप भी बनाइए। मैं सुधा किचन से सुधा शाह बोल रही हूँ। धन्यवाद।